Hey guys, welcome to Chemistry 101. So in the last video, we talked about the free radical mechanism of addition polymerization. In this video, I'm going to tell you about some of the important addition polymers. So the first one that we're going to do here is polythene. तो पॉलीथीन में हमें पता है कि दो टाइप के पॉलीथीन होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE एंड HDPE. तो सबसे पहले देखते हैं कि इनके प्रिपरेशन मेथड में क्या डिफरेंस होता है. तो जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, इसमें जो हम प्रेशर लेते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेते हैं. So first we can write the pressure is high in case of low density polythene and the value is around 1000 to 2000 atmosphere and the temperature that we use for preparing LDPE is 350 to 570 Kelvin. Okay, whereas in case of high density polythene the pressure that we take is 6 to 7 atmosphere and the temperature that we use is 333 Kelvin to 343 Kelvin, right? Whereas in low density polythene the catalyst that we are using is a simple peroxide catalyst. Koi bhi peroxide catalyst le sakte ho. So I'm just going to write here peroxide catalyst is used. Whereas in HDPE, we use a special kind of catalyst which is known as Ziegler-Natta catalyst. So, we will use Ziegler-Natta catalyst. This formula is triethyl, 3 times ethyl, triethyl. Aluminium, titanium chloride. So this is your Ziegler-Natta catalyst, right? So this is the first difference between these two kinds. Preparation ka difference hai ye. Theek hai? Now the second difference. देखो LDP low density polythene है, नाम से ही पता चल रहा है, right? तो मतलब इसकी क्या होगी? Low density. और HDPE की क्या होगी? हाई डेंसिटी, राइट? अब देखो लो डेंसिटी इसकी क्यों होती है, ये रीजन देखते हैं. इसमें जो पॉलीमर चेन्स होती हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, मतलब वी से दैट दिस इज हैवीली ब्रांच्ड, इट हैज़ अ हैवीली ब्रांच स्ट्रक्चर जिसकी वजह से जिसकी पैकिंग होती है वो ढंग से नहीं हो पाती, राइट? अगर पैकिंग ढंग से नहीं हो पा रही तो मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी? लो. वेयर एज इन केस ऑफ HDPE डेंसिटी इज हाई. वाई? बिकॉज द पैकिंग इज़ वेरी गुड. देखो जो पॉलीमर चेन्स होती हैं ये एक दूसरे में बहुत अच्छे से पैक्ड होती हैं, लाइक दिस. अगर ये बहुत अच्छे से पैक्ड है तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि क्या है, इनकी हाई डेंसिटी है, राइट? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दीज आर लीनियर. ये हैवीली ब्रांच होती हैं, ये लीनियर होती हैं जिसकी वजह से इनकी क्लोज पैकिंग होती है. क्लोज पैकिंग लीड्स टू हाई डेंसिटी. ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ पॉलीमर्स. देखो थर्ड डिफरेंस जो है, हम कहते हैं कि LDPE इज़ केमिकली इनर्ट, इट इज़ टफ बट इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, राइट? केमिकली इनर्ट है, टफ है बट इट इज़ फ्लेक्सिबल. और जब हम HDPE की बात करते हैं ये भी केमिकली इनर्ट होता है, दिस इज़ ऑल्सो टफ बट इट इज़ मोर हार्ड एज कम्पेयर टू LDPE. सो लेट्स राइट इट डाउन. दिस इज chemically inert, tough but flexible. ठीक है. Whereas in case of HDPE we say that
this is also inert but more hard and tough as compared to LDPE. ठीक है, ये ज़्यादा हार्ड होगा और ज़्यादा टफ होगा एज कम्पेयर टू LDPE. तो नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं. देखो जो नेक्स्ट डिफरेंस हम पढ़ेंगे दैट इज इन द यूज ऑफ दीज पॉलीमर्स, राइट, कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं. तो हम कहते हैं कि दिस LDPE इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इट कैन बी यूज्ड, आई एम जस्ट गोना राइट यूज हियर, सो इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग इंसुलेशंस फॉर करंट कैरिंग वायर्स. इट कैन बी यूज्ड एज अ इंसुलेशन फॉर करंट कैरिंग वायर्स, मतलब जो करंट कैरिंग वायर्स के ऊपर जो कवरिंग देखते हो तुम प्लास्टिक की, दैट कवरिंग इज मेड अप ऑफ LDPE. ऑल राइट, यू कैन सी मोर यूजेस ऑफ दिस LDPE. इट कैन बी यूज इन मेकिंग स्क्वीज बॉटल्स. देखो जो स्क्वीज बॉटल्स फेविकोल्स में होती हैं या फिर जो सिपर्स में होती हैं, सिपर्स दैट आर यूज फॉर किड्स, राइट, और फेविकोल्स जैसी जो स्क्वीज बॉटल्स होती हैं, तो उसके बनाने में इट कैन बी यूज्ड. और ये यूज़ हो सकता है इन मेकिंग ऑफ टॉयज फॉर किड्स. ऑलराइट, इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन मेकिंग फ्लेक्सिबल पाइप्स. इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग फ्लेक्सिबल पाइप्स. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज HDPE. तो अगर HDPE का यूज़ देखें हम, सो यूजेस तो ऑलमोस्ट सेम ही है एज LDPE, बट इसमें जो स्ट्रेंथ होती है बॉटल्स की या पाइप्स की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू LDPE. मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, यहाँ पे बस फ्लेक्सिबिलिटी होती है. तो यहाँ पे लिखा है स्क्वीज बॉटल्स, तो यहाँ पे लिख दो सिंपली बॉटल्स में यूज होता है. दीज कैन बी यूज इन बॉटल्स, कैन बी यूज इन मेकिंग बकेट्स और डस्टबिन्स. It can also be used in making pipes. ठीक है, तो ये सब uses हैं LDPE के और HDPE के. Alright? So let's move on. Okay, so now that we are done with polythene, next addition polymer which we have to do is Teflon. So Teflon, also known as PTFE, full form of PTFE is polytetrafluoroethene. पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन. अब देखो यहाँ पे हमारा जो मोनोमेरिक यूनिट होगा दैट विल बी टेट्राफ्लोरोइथीन. तो हम कैसे बनाएंगे टेट्राफ्लोरोइथीन? जैसे मैंने ये इथीन मॉलिक्यूल ले लिया, इसमें से हम हाइड्रोजन्स को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह फ्लोरीन ऐड कर देंगे. सो फोर फ्लोरीन वी आर गोइंग टू ऐड हियर, CF2. सो दिस इज नोन एज टेट्राफ्लोरोइथीन विच इज़ द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ टेफ्लॉन, राइट. अब मैंने n मॉलिक्यूल्स ले लिए टेट्राफ्लोरोइथीन के, दिस विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन एट हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. देखो कैटलिस्ट यहाँ पे या तो फ्री रेडिकल कैटलिस्ट ले सकते हो या फिर पर सल्फेट कैटलिस्ट ले सकते हो, राइट. अब देखो यहाँ पे दिस डबल बॉन्ड इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, तो CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और दोनों एंड्स पे भी क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी. सो दिस इज द रिपीटिंग यूनिट विच इज देयर इन द पॉलीमर टेफ्लॉन. ओके, नाउ
अब देखो यहाँ पे अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें हम टेफ्लॉन की, तो वी से दैट दिस इज़ केमिकली इनर्ट, मतलब ईजिली रिएक्ट नहीं करता है, राइट? वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ रेजिस्टेंट टू corrosive reagents. It is resistant to corrosive reagents. मतलब कोई भी अगर corrosive reagent है acids, bases, तो वो उनके साथ भी easily react नहीं करेगा, ठीक है? Now, let's come to the uses of Teflon. देखो टेफ्लॉन जो होता है इट इज़ यूज्ड एज अ कोटिंग फॉर नॉन स्टिक यूटेंसिल्स. अब कुछ कुछ किचनवेयर होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, खाना नहीं चिपकता ईजिली, राइट? तो उनके ऊपर जो कोटिंग लगी होती है दैट कोटिंग इज़ मेड अप ऑफ टेफ्लॉन. तो यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इट एक्ट्स एज अ कोटिंग ऑन नॉन स्टिक कोटिंग फॉर, यू कैन राइट कोटिंग फॉर नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, राइट? ऑन फॉर जो भी है, ठीक है? नाउ सी वन मोर थिंग आई हैव टू ऐड हियर. अगर हम टेफ्लॉन को टेम्परेचर दे देंगे ग्रेटर देन 300 डिग्री सेल्सियस देन इट डीकम्पोजेस. तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा ना जाए, राइट? सो वी कैन से दैट एट temperature greater than 300 degrees Celsius it undergoes decomposition or simply it decomposes, right? So these are few properties and uses of Teflon. Use हम वैसे एक और देख सकते हैं यहाँ पे. देखो ये कहाँ पे use होता है, this is very much used in industries for making oil seals and gaskets. ऑयल सील्स एंड गैसकेट्स, ऑलराइट? तो ये दोनों यूज़ हो गए. तो ऑयल सील और गैसकेट वैसे होता क्या है, देखो वो बस ऐसे ही एक रिंग टाइप होती है, ऑयल सील या गैसकेट दोनों ही एक रिंग टाइप होती है जो इंडस्ट्रीज़ में हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उनमें लगती है ताकि हम लिक्विड्स का लीकेज प्रिवेंट कर सकें, ऑलराइट? सो दीज रिंग्स मेड अप ऑफ टेफ्लॉन आर यूज टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ फ्लूइड्स, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेफ्लॉन. नाउ द नेक्स्ट पॉलीमर दैट वी हैव टू डू इज पैन, पॉली एक्राइलो नाइट्राइड. पैन पॉली एक्राइलो नाइट्राइड, अब देखो ये जो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल है इसमें भी हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं मोनोमेरिक यूनिट, पॉली को हटा देंगे तो आर मोनोमेरिक यूनिट विल बी एक्राइलो नाइट्राइल. यस, सो एक्राइलो नाइट्राइल इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CN. देखो इथीन मॉलिक्यूल के साथ अगर CN अटैच्ड है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है? अब इस CN को मैं साइड में नीचे दिखा देती हूँ बिकॉज इसका कोई यूज़ नहीं है, एडिशन होगा सिर्फ डबल बॉन्ड्स का एक दूसरे में, राइट? तो अगेन दिस विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म पॉलीमर CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN. ओके, so this is going to be formed and this is known as pan, alright? अब देखो इस pan का use कहाँ होता है, it is used as a substitute for wool. It is used as a substitute for wool, alright? अब देखो wool को हटा के हम इसको क्यों use करें, obviously इसकी कुछ better properties होंगी इसलिए हम wool को हटा के इसको use करेंगे, राइट? तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, दैट इट इज़ रेजिस्टेंट टू, इट इज़ रेजिस्टेंट टू स्टेन्स, केमिकल्स
insects and fungi. ठीक है, मतलब इन पे इजीली दाग धब्बे नहीं लगेंगे, केमिकल्स इजीली इन पे अटैक नहीं कर सकते, इंसेक्ट्स या फंगाई इन पे इजीली कीड़े नहीं लगेंगे. ठीक है, अगर हम कोई भी फैब्रिक ले रहे हैं मेड अप ऑफ दिस पैन. ऑलराइट, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल. ओके, सो वी आर डन विद द एडिशन पॉलीमर्स. देखो एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, बट इफ़ यू नोटिस एट द एंड ऑफ द चैप्टर देर इज़ अ टेबल विच इज़ गिवन जिसमें हमें तीन और एडिशन पॉलीमर्स दिए हुए हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दोज पॉलीमर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद पॉलीप्रोपीन. देखो पॉलीप्रोपीन में भी दिख रहा है कि हमें कौन सा मोनोमर यूनिट यूज़ करना है. यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोपीन. राइट, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3. राइट, अब देखो ये जो साइड चेन होती है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, तो हम इसको साइड में दिखा देंगे CH3. And now I am going to take n molecules of this propene which will undergo polymerization. और ये हमें क्या दे देगा, हमारा polymer which is polypropene. देखो ये double bond is going to get converted into single bond और bonding हो जाएगी इस side से भी और इस side से भी, क्योंकि बहुत सारे propene के molecules present हैं. Right, so CH2 इस side से भी bonding हो गई, ये single bond में convert हो गया, इस साइड से भी बॉन्डिंग हो गई एंड दिस विल रिमेन एज इट इज. तो n टाइम्स दिस इज़ द रिपीटिंग यूनिट विच इज़ गिविंग यू योर पॉलीमर विच इज़ पॉलीप्रोपीन. ओके, अब देखो इसके यूज़ देख लेते हैं. पॉलीप्रोपीन का यूज़ होता है इन मेकिंग ऑफ रोप्स, इट कैन बी यूज इन मेकिंग ऑफ टॉयज, इट कैन बी यूज इन मेकिंग ऑफ पाइप्स और फाइबर्स. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉलीमर विच इज पॉलीस्टाइरीन. पॉलीस्टाइरीन, ओके, तो जब हम पॉलीस्टाइरीन की बात करेंगे तो मोनोमर यहाँ पे क्या होगा, स्टाइरीन. तो स्टाइरीन ऐसा कुछ दिखता है, CH double bond CH2. Again, I have taken n molecules of styrene, which on polymerization is going to give you this polymer. CH is end se bonding, is end se bonding n times. Okay. अब देखो polystyrene के uses कहाँ कहाँ होते हैं. Have you seen those cups in which you drink tea, जो थर्मोकोल जैसे लगते हैं, बट इट्स नॉट एक्चुअली थर्मोकोल, इट इज़ अ पॉलीमर विच इज़ पॉलीस्टाइरीन. ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर हीट इंसुलेटर्स, देयरफॉर दे आर यूज्ड इन पैकेजिंग. पैकेजिंग में भी यूज़ हो सकते हैं, ये कप्स में भी यूज़ हो सकते हैं, इन द मेकिंग ऑफ कप्स. ऑलराइट, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन मेकिंग ऑफ TV and radio cabinets. Alright, so these are few uses of polystyrene. Next polymer and the last one which we have is polyvinyl chloride. देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑल्सो नोन एज PVC, तो इसमें हम जो लेंगे मोनोमर दैट विल बी विनाइल क्लोराइड. तो विनाइल क्लोराइड बना लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH. अब ये जो कार्बन आटम होता है, मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन आटम होता है, दिस इज नोन एज विनाइल कार्बन. राइट, और इस विनाइल कार्बन के साथ अगर कोई डायरेक्टली ग्रुप अटैच है, सपोज क्लोरीन अटैच है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विनाइल क्लोराइड. अगर ब्रोमीन अटैच होगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है,
विनाइल ब्रोमाइड. ठीक है, अब इसका पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं. मैं इस क्लोरीन को फिर से नीचे की साइड दिखा रही हूँ. वी हैव टेकन एन मॉलिक्यूल्स, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं. CH2 सिंगल बॉन्ड CH, दिस विल बी योर रिपीटिंग यूनिट. ओके, सो इसके यूजेस देखते हैं क्या क्या होते हैं. देखो, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ यूज्ड इन मेकिंग पाइप्स, वाटर पाइप्स. इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग ऑफ हैंडबैग्स. इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फ्लोर टाइल्स, मतलब फ्लोरिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का फ्लोरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए हेल्प कर सकता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन मेकिंग ऑफ रेनकोट्स. सो यू कैन गिव मैनी एग्जाम्पल्स फॉर यूज ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड. ओके, सो विद दिस वी आर एंडिंग द एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड एडिशन पॉलीमर्स. इन द नेक्स्ट क्लास और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंडेंसेशन पॉलीमर्स, डिफरेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस. If you have any doubts related to this session, you can post your doubts in the comment section. Thank you so much for watching the video.